संग्रह कर देता हूं। अलब्ध वस्तु का संरक्षण, तुम्हारे जो जरूरत है, जो भी वस्तु है, संरक्षण के लिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, वो भी मैं करता हूं। अरे भगवान करते हैं, ये तो सत्य है। मैं अपने 40 साल हो गया, हमने घर छोड़ के आए हैं 42 साल, 42-43 साल हुआ है, ब्रज में 40 साल देख रहे हैं भगवान के खेल। यहाँ भी अभी भी देख रहे हैं, किसी से मांगना नहीं, किसी से हाथ पसंदना नहीं है, किसी को लौटाना नहीं है, आ रहे हैं, खा रहे हैं, कौन दे रहा, कौन खिला रहा, भगवान जाने, हमको पता भी नहीं है। घर में चावल है कि नहीं हमको खबर भी नहीं है, क्या है क्या नहीं है इसमें हम मतलब भी नहीं रखते हैं, यही लोग जानते हैं, करते हैं, चल रहा है। कभी 200 मूर्ति, कभी 300 मूर्ति, कभी कौन चला रहा है, चला रहे हैं, चला मत चला, हमारे हमको क्या लेना देना है। जिस दिन देखेंगे चावल दाल कुछ है नहीं, उस दिन हाथ जोड़ देंगे, कोई आ जाएंगे, हमको शर्म क्या है, हम तो प्रभु के नौकर हैं। कहेंगे भैया माफ कर दीजिए, आज कुछ है नहीं, आप थोड़ा सा पानी पी के जाइए, प्रसन्न हो जाइए, हम तो साधु हैं, कह देंगे, हमको लज्जा क्या है। लेकिन प्रभु तो ऐसा होने देते ही नहीं, ये तो तमाशा तो हम देखते आ रहे हैं खुद। न संग्रह है, न परिग्रह है, किसी से मांगना जासना है नहीं, जे भाई हमारा चावल खत्म हो गया, आप थोड़ा सा 2 बोरा चावल दे जाना, आप ये तेल दे जाना, जरूरत नहीं हमारा, कोई जरूरत नहीं। भगवान नहीं देंगे तो हम नहीं करेंगे, हमको क्या ठेका पड़ा है, हमको करना, चिंता करने का हमारा आवश्यकता क्या है। लेकिन प्रभु चिंता करने देते ही नहीं। जोगक्षेमंग, ऐसे बहुत सारे हमारे क्षुद्र जीवन में प्रभु ने हमको ऐसे बहुत दर्शाए हैं। जोगक्षेमंग बहम, बहुत जो मन में इच्छा आई। एक दिन बहुत सारे घटना तो ऐसे बहुत सारे है, क्या कहें। एक दिन हम भानुकुल में रहते थे, हमारे सामने लंगड़ा बाबा था, तो लंगड़ा बाबा वो बहुत त्यागी था, तो दिखा रहे हैं, जो विनोद बाबा देखो हमारा बहिर्बा, ये जो लोम वस्त्र है, गांठ लगा हुआ है, यहाँ हुआ 10 जगह गांठ लगा हुआ, बोलते इसमें लोम वस्त्र है ही नहीं, क्या क्या करें, अब ऐसे ही चलना पड़ता है। हमने तो बाबा ये तो पहनने लायक नहीं, बोले क्या करें। हमारा मन में इतना कष्ट हुआ, हे भगवान, एक तो लोम वस्त्र हमको मिल जाता अभी, हम बाबा को दे देते। हम भी ऐसे ही थे, मिट्टी में रोटी रख के खाते थे, हम भी ऐसे ही थे उस समय, मिट्टी में रोटी रख के खाते थे, कोई बर्तन भी नहीं था, ऐसे एक समय था। अभी तो हम प्रपंची हो गए हैं, महाप्रपंची, इस समय एक समय हम प्रपंची नहीं थे। बस कहते कहते एक भक्त आ गया, हमारे गुरु भाई आके हमको एक लोम वस्त्र दिया, बोले दादा ये लोम वस्त्र तुम लो। कुछ समय के भीतर एकदम मन इतना प्रसन्न हो गया, बाबा को लेकर के हमने बोला बाबा ये लो, लोम वस्त्र ले लो। एक दिन हम अगरबत्ती है नहीं, अगरबत्ती है नहीं, तो मन में बड़ा दुख हुआ, जो अब तो हम बैरागी हैं, हम तो किसी से मांगते नहीं, मांगना उचित भी नहीं है। कि संतों को जो एक लक्षण है उसके अंदर एक है अपरिग्रह, संतों किसी से हाथ पसारेंगे नहीं, ये संतों का नियम है, जो हाथ पसारता है वो संत नहीं। मेरा भक्त हो के मनुष्य के करे आशा, क्या है उसकी विश्वासा। मेरा जो भक्त है वो मेरा आशा करेगा, मनुष्य को आशा करके बैठा रहता है, बोलता है उसका भक्ति का कोई विश्वास नहीं, काना कोड़ी विश्वास नहीं है, आज है काल नहीं रहेगा, को मनुष्य का आशा लेकर बैठा है, वो देगा हमको ये वस्तु, ला देना बाबा, भैया हमको क्यों, वस्तु नहीं है, कष्ट स्वीकार कर लो,
कष्ट स्वीकार कर लो। विजय कृष्ण के समय 3 दिन खाना नहीं मिला, जमुना का पानी पी के 3 दिन बिता दिया, फिर भी किसी से मांगे नहीं, हाथ पसारे नहीं, तो कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। तो मेरा भक्त हो के मनुष्य का करे आशा, क्या है उसकी विश्वास है? भगवान कहते हैं उसका भक्ति का कोई विश्वास नहीं है, भाई आ जाए काल नहीं भी रह सकता है। इसीलिए साधु जो है, जो भगवत भक्त है, वो कभी किसी से हाथ पसारेंगे नहीं, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में। हाँ, असुविधा हो सकता है, उसको स्वीकार कर लो। कष्ट स्वीकार करने के लिए ही तो हम लोग घर बार छोड़ के आए हैं। ऐसा थोड़ी है कि हर तरह की सुविधा रहेगा तो फिर जाके हम भजन करेंगे। सब कोठी चाहिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, बढ़िया चाहिए, वस्त्र चाहिए, सब चाहिए, सभी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए। घर चाहिए तो घर छोड़ के आया क्यों? घर छोड़ के आया तो आप घर का चिंता क्यों? घर छोड़ के आया, आज घर क्यों बना रहे हो? ये सब प्रश्न आता है। तुमने तो घर छोड़ के आया है तो फिर आज घर क्यों बना रहे हो? तो बना रहे हो तो छोड़ा क्यों? तो अन्याय है भाई, है ना? ये जो मकान देखते हैं हमारा नहीं है, किसी ने बनाया है, अभी भी हमारा नहीं है। अभी काल बोल देंगे बाबा छोड़ दो, हमको छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। छोटी सी जिज्ञासा, जैसे कोई सेवा पर भक्त अगर पूछे कि बाबा सेवा के निमित्त में कोई फल आदि देना चाहता हूँ या धन देना चाहता हूँ, उसको स्वीकार करने से भी क्या जो कनिष्ठ साधक है उनको परापेक्षा दोष या अपरिग्रह? देखो, पहले तो प्रयोजन के अतिरिक्त तो लेना नहीं चाहिए, प्रयोजन के अतिरिक्त तो। जो संग्रह तो हमको कुछ तो लेना है ही है, रोटी भी हमको लेना पड़ता है, मधुकड़ी मांगना पड़ता है, कपड़ा भी एक टुकड़ा चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयोजन से अतिरिक्त तो नहीं। अगर अतिरिक्त तो हो गया तो बोलते उसको सेवा में लगा दो, सेवा में लगा दो, चावल आया उसको सेवा में लगा दो, दाल आया, कुछ भी आया, पैसा आया, कौड़ी आया, सेवा में लगा दो, ऐसे अपने लिए नहीं, जो हम ये करेंगे ऐसे नहीं, इसको सेवा में लगाना है। सेवा में लगाने से सबसे उत्तम है कुछ ना लेना, ये सर्वोत्तम है, कुछ लेना ही नहीं, तो लेना ही नहीं, ये तो जंगल में रह करके एकांत में रहने से ही हो सकता है। कहीं आश्रम पश्रम में रहोगे तो ये तो भक्त लोग आएंगे कौन, कहाँ माना करेंगे? हम तो भीतर में बैठे रहते हैं, यहाँ देखते हैं चावल खला मूला ये सब भरा हुआ है, क्या करें आप इसको? कभी कभी बांटना पड़ता है, फिर क्या करें, किसी को जरा भेजना पड़ता, जाओ आश्रम में दिया, आश्रम में दिया, आश्रम में दिया, ऐसा करना पड़ता है, क्या करें, कहाँ तक माना करेंगे? लेकिन उसको भगवत सेवा में लगाओ, और वो सेवा भी तुमको अहंकार रहित होकर के, हम सेवा कर रहे हैं नहीं, ये अहंकार आने से भी हानिकारक है। तुम वस्तु तो तुमने कमाया नहीं, तुमने किसी ने दिया, तो तुम ये नहीं समझते कि मैं दे रहा हूं, ये अभिमान भी नहीं आना चाहिए, ये भी विघातक है, है ना, कठिन है। सबसे उत्तम है किसी से कुछ ना लेना। तो एक दिन हमारे इसे अगरबत्ती खत्म हो गया, ऐसे सोचते हैं तो भाई गीता में कहा है योगक्षेमम भामम, हम अगरबत्ती खत्म हो गया, अब हम क्या करें भाई? चलो भाई बिना अगरबत्ती का ही भजन करेंगे, बैठे बैठे क्या है, जरूरी क्या है? तो एक भक्त आया हमारे पास, बात बात में गीता के प्रसंग आ गया, योगक्षेमम भामम। तो हम कहते हैं भाई देखो योगक्षेमम भामम ये शब्द भगवान के जो प्रिय भक्त अनन्य चिंतन तमंग जी जाना प्रतिभाषित तेषांग, जो अनन्य भाव से उनके समर्पित होकर के जो भजन, उनके लिए शब्द है, हम जैसे साधक के लिए नहीं है, सत्य है, लेकिन हम तो उतना समर्पित है नहीं और अनन्य भाव भी नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये शब्द नहीं है, ऐसा उनसे हम आलोचना कर रहे हैं। करते करते हम गए परिक्रमा करके
वो गाबर वन परिक्रमा कर, आज से 40 साल पहले की बात है, परिक्रमा करके आए हैं। जयपुर मंदिर के ऊपर रहते थे एक बाबा, पंजाबी बाबा, वो हमको बुला रहे, बाबा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कभी हमको बुलाते नहीं, हम बोले क्या बात है, नहीं नहीं आइए थोड़ा सा आइए आइए भीतर आइए। तो हम वहाँ से भीतर गए, भीतर से हमको बुला के ले गए, ऊपर ले गए, बैठिए बाबा बैठिए, बैठ गए हैं। इतना अगरबत्ती देखो, इतना नाना प्रकार का, तो 20 प्रकार का अगरबत्ती ला करके एकदम हमारे सामने धर दिया, ये अगरबत्ती ले जाओ। तो अगरबत्ती बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको इतना रोना आया, हम ऐसे रोया हुआ बैठे बैठे, जोगक्षेमम बहम बहम, जोगक्षेमम बहम बहम, जोगक्षेमम बहम बहम। अगरबत्ती से हमारा संतुष्टि नहीं, माने ये जो शब्द जो है, ये प्रभु सब योगक्षेम बान करते हैं, सत्य है सत्य है सत्य है, फिर भी हम लोग चिंता मुक्त नहीं होते हैं, घबरा जाते हैं, मांग बैठते हैं, हाथ पसारते हैं, निर्लज्ज होकर, मेरा भक्त होकर मनुष्य के करे आशा, क्या है उसकी विश्वास, उसके कोई विश्वास नहीं है। जदृश लभ संतुष्ट दंधाथित विमश्वरो सिद्ध सिद्ध कृत्यापि न निबद्धते। आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। अभी स्थिति ऐसी आ गई है, आएंगे देंगे क्या करें, तो स्थिति में क्या हटना, उसके सेवा में लगाना है। आया तो हर्ष नहीं और गया तो विषाद नहीं, कोई कष्ट नहीं। आया तो हृष्ट नहीं, गया तो कष्ट नहीं, ऐसे भावना चाहिए। जदृच्छ लाभ संतुष्ट दंधाति विमत्सर, दंधाति हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, इसमें समचित्तता, विमर्शन मत्सरता रही, तो उनके ये ऐसे है ऐसे हैं वो ऐसे हैं, ऐसे नहीं, जैसे प्रभु हमको रखे हैं ये प्रभु की इच्छा, इसमें ही संतुष्टि धारण करना चाहिए, संतोष होना चाहिए। ऐसे सिद्ध असिद्ध कृत्य अपनी न निबद्धते, कोई काम हम करना शुरू किए उसमें सिद्धि हुई या काम बना नहीं, जो काम करने गए वो काम नष्ट हो गया या बंद हो गया, तब उसमें कष्ट नहीं, दोनों बराबर, मतलब उसके लिए कोई बंधन नहीं है, वो मुक्त है, है ना। तो भगवान जोगक्षेम बहन करते हैं भक्तों का, ये नहीं जो ये जो जो त्यागी है उनके लिए, त्यागी के बात नहीं है ये, जो ऐसे ही भगवान में समर्पित है उसके लिए भगवान सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं, जोगक्षेमम बहम। इसीलिए जत करोषि, जो भी करो वो मानो जो प्रभु करता है, तुम करता नहीं हो, कर्तृत्वपन को हटाओ तो तुम्हारा समर्पण हो जाएगा। मत कर्मकृत जो भगवान कहते हैं, मत कर्मकृत, वो मत कर्मकृत तभी होता है जब साधक ये कर्तृत्वपन को हटा देते हैं, ये करता हम करता नहीं है, यहाँ करता तो एकमात्र प्रभु है। जब प्रभु को कर्ता मान करके दास बन के जो भी कर्म करते हैं, जत करुषि जदुष्णाषि जोषि जदाशि जत जत तवश्वासि पंतो तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो भोजन करते वो भी जदुष्णाषि, जो दान करते हो ददाशि जत, जो दान करते ये भी तुम नहीं करते हो, हम खिला रहे हैं हम दे रहे हैं, हम लोग तो कितना अभिमानी, किसी को कुछ दे देते हैं उसमें घमंड करते हैं, हमने एक दे दिया ऐसे एक साधु को ऐसे कपड़ा दिया पैसा, अरे हम दान करने वाले कौन होते हैं, अरे प्रभु हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं, ऐसे भावना मस्तक नमित होना चाहिए, लज्जित होना चाहिए, हम कौन है दान करने वाले, हम कमाए हैं, कोई दे रहा हमको, हमारे द्वारा प्रभु दिला रहे हैं, ऐसी भावना, तो ये कर्म हो जाएगा मत कर्म, मत कर्म क्रिय। और जब कर्तृत्व अभिमान लेकर के हमको ये करना है वो करना है वो करना है वो करना है, आया तो बहुत हर्षित हो गया और थोड़ा सा वस्तु नष्ट हो गया तो बड़ा दुखी हो गया, तो ये मत कर्म क्रिय होगा नहीं, वहां कर्तृत्वपन को ही हटाना पड़ेगा। यहां भगवान को कर्ता मान करके तुम अकर्ता बन के
दास बन के समस्त कर्म निर्वाह करो तो वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। और जब कर्ता बन जाओगे तो जाके वो कर्म तुम्हारा एक ही कर्म वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा। प्रभु का कर्ता मान के करोगे तो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। कर्तृत्वपन को हटाना है, लेकिन बहुत कठिन बात है। कर्तृत्वपन तो जाता नहीं है। सुख दुख समकृत लाभालाभ जया जयु तथा युद्ध युद्ध नैव पाप मवावशेषी। सुख दुख समकृत, सुख दुख समान भाव कर लो। ये नहीं हम भगवत भजन करते हैं, हमको हर तरह से सुख होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होने चाहिए, कोई आदि व्याधि नहीं होनी चाहिए, हमारे परिवार के किसी का कोई बीमार नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे परिवार में हमको सब प्यार करेंगे, आदर करेंगे, खातिर करेंगे, हम भगवत भक्त हैं, हम भजन करते हैं, भाई हमारे लिए तो कष्ट होना ही नहीं चाहिए, क्यों प्रभु है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जब प्रभु के शरण में रहते हैं तो हमारा कष्ट क्यों। ऐसा नहीं। जो भक्त होते हैं सुख दुख समकृत्ता, सुख दुख को समान भाव कर लेते हैं। लाभालाहु जया जयु, लाभ हानि, कोई वस्तु आया लाभ हुआ तो उसमें भी हर्ष नहीं, क्यों प्रभु का वस्तु है, प्रभु देते हैं, हानि हो गया प्रभु दिए हैं, वो क्या जाने प्रभु की इच्छा, वस्तु नष्ट हो गया उसमें कष्ट नहीं। जया जयु तथा युद्ध है युद्ध, इस तरह से संसार में रह करके लड़ाई करो, प्रवृत्ति निवृत्ति घात प्रतिघात दंड संघात, इसमें रह करके संसार में रह करके उसको सहन करो। तथा युद्ध है युद्ध नैव पाप माप शशि, इस तरह से तुम संसार में रहोगे तो कोई पाप में तुम लिप्त तो नहीं हो। ये क्रियात्मक नहीं, ये भावनात्मक, ये भावनात्मक। तो इस तरह से जत कर जो भी करो प्रभु करा रहे हैं, प्रभु को कर्ता मान करके स्वयं अकर्ता बन के उनके दास बन के संसार में जो भी हो रहा है प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं। मुख में नाम, कर से काम, मन में प्रभु का ध्यान चिंतन, बस हो गया तुम्हारा भजन, हो गया तुम्हारा भजन। हम लोग तो काम करते हैं, मन भी वही काम में लगा देते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, बेटा के लिए ये करना है, बेटी के लिए ये करनी है, ऐसे ऐसे नाना प्रकार संकल्प विकल्प, जिस कारण हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मत कर्म कृत, जो भी करो तुम मेरे को कर्ता मान करके, मेरा दास बन के तुम मेरी प्रसन्नता के लिए तुम समस्त कर्म करो, तो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। मत कर्म कृत, मत परम, मेरे भावनामय हो जाओ, हर समय हृदय में हमको धारण करके, छोटा बच्चा जैसे माँ को छोड़ के कुछ जानते नहीं, हर स्थिति में बस माँ को ही जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं है, भगवान ऐसे ही भक्तों को कभी छोड़ के कहीं जाते नहीं है, हर समय भगवान भक्तों की इस तरह से हर तरह से माँ की तरह रक्षा करते हैं हर स्थिति में। मत परम, जो ऐसे भगवत परायण भगवान के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, हर समय भगवान प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए उनकी चिंता, ऐसे भावना लेकर भगवान के लिए ही जीना है, भगवान के लिए ही मरना है, ये शरीर प्रभु के दीन है, जब तक शरीर है तब तक प्रभु के लिए ही हमको समस्त कर्म करना है, ऐसे भावना लेकर संसार में रहने से भगवान कहते हैं उसकी मुक्ति के लिए मुक्ति का कारण मैं बन जाता हूँ। तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि अचिरात् पार्थो मयि आवेशित चेत सम, उसके संसार सागर से उद्धार करता मैं बनता हूँ, उसको उद्धार होने के लिए उसको चेष्टा का कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम किस तरह से संसार सागर पार लगा देंगे, हे प्रभु कैसे हम संसार सागर से पार लगा करके तुम्हारे चरण सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, प्रभु हमको कृपा करो, दया करो, ऐसे बोलते हैं
तुमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तेषांग अहं समुद्धर्ता, मैं उद्धारकर्ता मैं बन जाता हूं। अचिरात भवामि अचिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम, बहुत जल्दी, अचिरात शब्द कहती है, बहुत जल्दी मैं उसको संसार सागर से पार करके, पार लगा करके मेरे चरण सान्निध्य में ले आता हूं मैं, मई आवेशित चेतसाम, है ना। तो मत कर्म कृत मत परमो, कर्म और है, कर्म विषय में और कुछ आलोचना करने के विषय है, हम लोग काल इस विषय में और कुछ आलोचना करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे, क्योंकि कर्म चक्र बहुत कठिन है। हम लोग सोचते हैं हम भजन करते हैं, हम तो भगवत कर्म करते हैं, इसमें भी बहुत समालोचना की बहुत कारण है, कैसे भजन होना चाहिए, कैसे भजन भी हम भगवान के लिए करते हैं अपने लिए नहीं। तुम ऐसे मत सोचना कि तुम भजन करते हो, प्रभु करा रहे हैं, नहीं तो एक शब्द भी मुख में आना संभव नहीं है। कभी कभी देखा जाता है जो हम संकल्प करते हैं आज इतना नाम करेंगे, उस दिन देखते नाम होता ही नहीं। कभी कभी ऐसे देखा जाता है आज समय नहीं है, ऐसे ऐसे उलझन में ऐसे उलझ गए, देखा जाता है उस दिन कैसे कैसे हमारा शंखा भी पूर्ण हो गया, सब काम भी हो गया, प्रभु की इच्छा ऐसे। तो ये ना मत सोचना मैं भजन करता हूँ, ये प्रभु की कृपा तुम्हारे द्वारा प्रभु जो भी करा रहे हैं प्रभु की इच्छा जान करके, इसमें भी घमंड नहीं करना चाहिए, हम भजन करते हैं, हम भजन आनंदी हैं। ये भजन अभिमान बहुत खतरनाक होता है, भजन अभिमान, मैं भजन आनंदी हूँ, भगवान और दूसरा अभिमान तो सहन कर लेते हैं, लेकिन मैं भक्त हूँ, मैं भजन आनंदी हूँ, ये अभिमान भगवान को बड़ा खटकता है, अच्छा नहीं लगता है। दूसरा अभिमान, मैं धोनी हूँ, मानी हूँ, पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी, भगवान कहते हैं ये तो हम क्षमा कर देते हैं। जब कोई भक्त घमंड करता है, मैं भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं भजन आनंदी हूँ, तो भगवान उसको ऐसे पछाड़ देते हैं, ऐसे पानी पिलाते हैं, तो ठिकाना नहीं। जय जय श्री, तो काल फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री, और आलोच्य विषय है इस विषय में, थोड़ा स्पष्टीकरण काल करेंगे। जय जय राधा।